हेलो गाइस, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपका ये जो आपको स्किन में दिख रहा है, तो कम से कम 5 से 6 रोग का हम इलाज लेके आए हैं। इसे पहली बात तो क्या कहते हैं वो आप देखिए। इसका नाम है चिड़चिड़ा। कुछ लोग चिड़चिड़ा बोलता है, कुछ लोग अपमार्ग बोलता है। और ये किस मौसम में मिलता है, तो ये आपका बरसात के मौसम में बहुत अधिक ज़्यादा होता है, और ठंड के मौसम में ये आपका बीज से भर जाता है। यानी कि बरसात के मौसम में हरा बीज रहता है और ठंड के मौसम में इसका बीज पकने लगता है, कुछ इसका अंदर से चावल जैसा निकलता है। ताकि इसे आपको बता दें, इसे ऋषि मुनि भी इस बीज का धारण करते हैं, यानी कि खाते हैं इस बीज को, वो खाते हैं। ये बीज खाने से क्या होता है, ताकि उसका अनचाहा जो खाना है या अधिक ज़्यादा भूख लगना है वो उस इस चीज़ से कम होता है। अधिक अधिक जो व्यक्ति खाना खाता है उसे ये रोकता है। और इसका क्या क्या गुण है तो आपको हम बताते हैं, इसका गुण बताते हैं आपको। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए बिना देर के भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो ये किस चीज़ में आता है, ये हमारा जो ये चिड़चिड़ा है, ये आपको लाया हुआ मेरा 2 दिन हो गया, ताकि इसका पत्ता वगैरह सूख गया है। तो फिर भी इसे हम आपको बता रहे हैं कि इसे किस चीज़ में काम आता है। पहला है, यदि किसी को बिच्छू काट लेता है तो इसका पत्ता पीस कर लगाएंगे तो आपका उस जगह में आपको जहर आगे बढ़ेगा ही नहीं, और उस जहर निकल जाएगा और उस जगह में आप ठीक हो जाएंगे। इस बिच्छू काटने का है। यदि किसी को मुंह से गंध आता है, बात कर रहे हैं और मुंह से गंध आ रहा है, तो इसका पत्ता आप चिबा लें तो आपका गंध आना दूर हो जाएगा। दूसरी बात है कि जिसका मुंह से खून आता है, जैसे कि पैरिया की शिकायत हो, तो पैरिया भी ठीक करता है। तो आप इसको क्या करें, पानी में इसका 5-10 पत्ता उबाल कर कुल्ला करें, 2-4 पत्ता चिवा भी लें। तो आपको ये करना कितना दिन है, तो आपको करना कम से कम 15 दिन है, ताकि आपका जो मुँह में इन्फेक्शन है या आपका कोई भी दाँत कमज़ोर है तो इससे आपका दांत ठीक होता है। यानी कि देहात में, यानी गांव सेट में इसका ही दातुन करता है। इसका जो दातुन होता है, इसे दातुन भी करता है और इसका मंजन भी बनाता है। इसका जड़ से आपका मंजन बनाता है, ताकि आपका गांव देहात में देखे होंगे, बूढ़ा बूढ़ा भी आदमी का दांत में भर मुँह दांत रहता है। और शहर में क्यों दांत जल्दी निकल जाता है, तो शहर का जो बच्चे से जो केयर नहीं करता है उसे दांत में प्रॉब्लम आता ही आता है। तो ये हो गया आपका दांत का। दूसरा हम बता रहे हैं आपको बवासीर का। बवासीर किसी को खूनी होता है, किसी को बादी होता है, तो उसे आप कैसे ठीक करें, आपको हम दिखाएंगे स्किन में भी। एक बाबा भी बता रहे हैं, थोड़ा सा हम शॉर्ट दिखाएंगे आपको। तो अभी आपको बताते हैं इसे जड़ से बवासीर को कैसे ठीक करना है। खूनी हो, खून बहुत अधिक जाता जा रहा है, तो आपको इस जड़, ये जड़ जो है इसको आप कूट कर, या आपके मुंह में दांत है तो आप इसे इसका जड़ धो लें, धोकर आप इसका जड़ धोकर और लगातार चिबा के एकदम बारीक कर लें और इसे आप खा लें, यानी खाली पेट। और आपको करना क्या है, आधा घंटा कुछ नहीं खाना है। और दूसरी बात है कि आपको बातर का सामान नहीं खाना है। बातर में ऐसे खट्टा हो गया, तीता हो गया, बैंगन हो गया, ये सब 3 चीज़ नहीं खाना है। बोदी हो गया, अदरक हो गया। बवासीर में अदरक दुश्मन है, तो अदरक को आप कभी भी सेवन ना करें। और इस जड़ को आपको 15 दिन तक खाना है, तो आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। यदि खूनी हो, यदि और बादी हो, बादी माने मांस निकलता है, तो आपका अंदर वो बैठ जाएगा, बादी रहेगा तो अंदर वो बैठ जाएगा, यानी को ठीक हो जाएगा। दूसरा आपका आ गया जो दांत में कीड़ा हो जाता है। आप देखे होंगे दांत में कीड़ा चहुआ में ज़्यादा लगता है, तो आप कीड़ा कैसे ठीक करें,
तो आप इसका मंजन बना लें, इसका जड़ के कूट के इसमें मिलाना क्या क्या है, आप जड़ को कूट लें और कूट के इसे हल्का सा छाया में सुखा के मिक्सी में पीस लें, और उस पर आप क्या करें, आप हल्दी डाल लें, गोटा हल्दी, बिल्कुल बाजार का हल्दी नहीं, पाउडर हुआ, पाउडर किया हुआ हल्दी नहीं, क्योंकि उसमें मिलावट रहता है। आप गोटा हल्दी को कूट लें ओखली में और फिर मिक्सी में पीस कर दो चम्मच वो ले लें, दो चम्मच ये ले लें, और छोटा सा फिटकरी ले लें, इतना छोटा सा फिटकरी ले लें, वो भी मिला दें, एक या दो लौंग भी मिला दें, और इसका आप सेंधा नमक ले लें, सेंधा नमक मिलाकर आप इसका मंजन बना लें। आप पहले देख लें, सुन लें, इसे लिख लें, हम फिर दोबारा आपको दोहरा रहे हैं। इसका जड़ का आपको छाया में सुखा लें, सुखा के इसका पाउडर बना लें, गोटा हल्दी का पाउडर बना लें, सेंधा नमक आपको पाउडर मिलता है बाज़ार में वो ले लें, हल्दी ले लें, और आप एक या दो लौंग ले लें और फिटकरी ले लें। इतना चीज़ मिलाकर आप एक डब्बा में भर लें और भर कर उसी से आप मुँह धोएं। अब मुँह धोने का नियम कम से कम रखें, जब सुबह मुँह धो लेते हैं तो जब रात में आप खाना खाते हैं तो खाना खाकर भी मुँह धो लें, ताकि आपका जो अंदर का कीड़ा है वो भाग जाए, आपको दांत नहीं कबड़वाना पड़े। तो आपको ये हमेशा के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि जब दांत में खोड़ल हो जाता है तो वहाँ पर ही जब अनाज आप खाते हैं वहाँ फंसता है, और उसी जगह में आपको कीड़ा होता है, एक दांत में कीड़ा होगा तो दूसरे दांत को भी प्रभावित करेगा। तो इस तरह आपको मंजन बनाने का विधि बताए हैं, और यदि आपको ज़्यादा मिलता है इस तरह का, यदि चिड़चिड़ा आपको ज़्यादा मिलता है तो आप इससे कभी कभी दातुन भी कर लें, ताकि दातुन करेंगे तो आपका मसूड़ा वगैरह अच्छा रहेगा। यदि किसी को पथरी का शिकायत है, और पथरी आप किसी भी जगह में है, किडनी में है या मूत्र द्वार में है, कहीं भी है आपको, तो आपको करना क्या है, इसका पत्ता आप 8-10 पत्ता ले लें, इसको कूट कर उबाल दें, उबाल कर एक गिलास पानी में जब एक कप बचे उसको आप 15 दिन पिएं, तो आप देखेंगे पथरी भी आपको टुकड़ा टुकड़ा करके मूत्र द्वार से निकाल देता है। ये बहुत ही शुभ पौधा है। इसे शुभ क्या है ये भी आपको बताएंगे। जब आदमी छठ वगैरह करता है तो आप देखे होंगे कि ये सब में सेंदू टिका हुआ रहता है। तो क्यों टिकता है, क्योंकि ये बल देवी कहा जाता है, गांव देहात में इसे बल देवी कहता है, यानी कि ये बल देने वाली है। इसमें बहुत ही ऐसा गुण छुपा हुआ है जो हम लोग से, ये जो जानकार नहीं है, इस चीज़ को जो नहीं जानता है, इसे घास फूस समझ कर छोड़ देता है। खेत खलिहान में भी उगता है, ये हर शहर में पाया जाता है। आप देखेंगे जहाँ पानी का स्रोत होगा उस जगह में ये रोड किनारे भी रहता है, नाली वगैरह में भी रहता है, खेत खलिहान में भी रहता है, ये हर जगह उग जाता है। यदि कहीं बगान है, गार्डन है, वहाँ भी उग जाता है। पहचानना आपको यही है, कहीं कहीं आपको लाल दिखेगा और कहीं कहीं आपको सादा दिखेगा। तो जो पक जाता है वो लाल हो जाता है, जो हरा रहता है वो नहीं पकता है। तो इसका दो भी प्रजाति होता है, तो आदमी बोलता है कि ये दो प्रजाति है, प्रजाति एक ही रहता है, पर यही है कि इसमें जो पक जाता है वो लाल हो जाता है, जो नहीं पकता है वो हरा रह जाता है। तो इस तरह का आपको जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। धन्यवाद।